जो आपका कार्य करेगा उसके साथ हो। पहले मायावती को वोट दी थी और जो अब क्यों नहीं दोगे मायावती को? हम देंगे जी, हमारे बातों हमारी बहानी। गठबंधन की सरकार आती, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो गठबंधन की सरकार आती, तो गठबंधन की सरकार आती। ये मशीन में गड़बड़ी थी। हाँ जी, यहाँ पर जो ये प्रोग्राम चल रहा है सहारनपुर के अंदर, कार्यकर्ता सम्मेलन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसमें हम महिलाएं भी हैं, हम बात करेंगे महिलाओं से। जी, ये महिला शक्ति हैं, आप कहाँ से हो आप? दलापड़े से। जी, दलापड़े से। दलापड़ा यहीं पड़ता है सहारनपुर में। हाँ, जी, तो यहाँ पार्टी में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आने का क्या मकसद, कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? सेवाराम। सेवाराम जी लेकर आए। तो आप पहले कौन सी पार्टी में थे, किसको वोट दी थी पहले? मायावती को। अच्छा, मायावती को वोट दी थी। जी, बहन कुमारी मायावती जी को वोट दी थी आपने पहले। हाँ। और अब मायावती से तुम्हारा मन भर गया है या क्या, मतलब मायावती को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे आप? तो हम तो कर रहे हैं जी। मायावती को कर रहे हो अभी? कर रहे हैं। अच्छा, आप? हाँ जी, हमने भी कर रहे हैं। कर रहे हो? ना जी, मायावती को नहीं कर रहे, और किसे कर रहे हैं? हम तो इसका साथ देंगे, मेरे डॉक्टर का। मंत्री बनाया, इनको अभी कुछ नहीं पता है, महिलाओं को नहीं पता है, ये अभी नादान है और शिक्षित नहीं है। इनको अभी कोई कह रहे हैं कि मायावती को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम जो लेकर आए हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, कहाँ से? सरसावा धोलापड़ा। अच्छा, सहारनपुर से। हाँ जी। तो यहाँ पर जो आपका उद्देश्य है, यहाँ पर जो आए हो आप इस प्रोग्राम में जी, तो किस लिए आए हो? जी, यहाँ पे आए थे हम यही देखने के लिए, पार्टी के इसमें आए थे। पहले किसे सपोर्ट किया था? पहले तो हम बहुजन को सपोर्ट करते आ रहे, मायावती की पार्टी को। और अब किसे करोगे? देखते हैं जी, पार्टी के हिसाब से, पार्टी देखोगे किस तरीके से कार्य करती है। और आप बच्चे भी इसी तरह करेंगे। और आप? जी, हमारे भी यही राज्य है। यही राज्य है। और आपकी? हम भी जो हमारे खातर अच्छा कागज के ढंग चलेंगे हम तो भाई जी। जो आपका कार्य करेगा उसके साथ हो। पहले मायावती को वोट दी थी। हाँ। और अब क्यों नहीं दोगे मायावती को? हम देंगे जी, हमारे बातों हमारी बहन ही। अच्छा, मायावती बहन है, ये कह रही है कि मायावती हमारी बहन है, जो बहन है, कार्य करेगी ठीक जी, देंगे जी, नहीं करेगी देते नहीं, नहीं देते है। अब क्या, आपने जो सहारनपुर में चुनाव जिताया है, बसपा के कैंडिडेट को जिताया है, कुछ नहीं जीता। और ना वो तो जिता, वो तो उस तो जीता अपने मशीन से। हाँ। अच्छा, वो मशीन जीता, वो तो जिताने को जीते, वो तो मशीन तो जीता। कौन जीता मशीन से? जो जीता मोदी, ये इनका कहना है कि मोदी मशीन से जीते हैं, ये भी जानती है। पेपर से जब मतदान होता तो फिर गठबंधन की सरकार आती, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो गठबंधन की सरकार आती, तो गठबंधन की सरकार आती। ये मशीन में गड़बड़ी थी। हाँ जी, जी क्या थी? मशीन में गड़बड़ी थी। मशीन में गड़बड़ी बताई जा रही है, यहाँ पर महिलाएं कह रही है कि मशीन में गड़बड़ी थी, मशीन के चलते ही, जो ईवीएम मशीन थे उसके चलते ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है भारत में। इनका कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो गठबंधन की सरकार आती, और यह बात पार्टी भी कहती है और बहुत सारे विपक्ष दल इस सवाल को उठाते हैं, लेकिन ईवीएम अभी बंद नहीं हो पा रही है। अब देखना ये होगा कि ईवीएम कहाँ तक बंद होती है और कहाँ नहीं होती है, क्या वैलिड पेपर से चुनाव होगा, अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का, या वैलिड पेपर से होगा। मैं सहारनपुर से उमेश करूँ ना, बहुजन हलचल।